सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल माय उपचोन में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BHU में एडमिशन कैसे ले, अ फुल प्रोसेस मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। सो चलिए बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोग बनारस में पढ़ने आ रहे हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो कि आपका महादेव का नगरी है। सो इस नगरी में पढ़ने आ रहे हो तो ये शायरी तो बनता है। कैसे कोई किस्सा लिख दूँ, बनारस तो अनंत कहानी है, हम भी बनारस के हैं गुरु, हमारी खुद कई कहानी है। फल मैं बता देता हूँ इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करूँगा, तो आपको क्लियर हो जाए एंड आप जो सोच रहे हो आपको इस वीडियो में देखने को मिले। सबसे पहले मैं इसके एडमिशन प्रोसेस को मैं कवर करूंगा, इसमें कट ऑफ वगैरह जो भी एडमिशन्स में आते हैं सारी चीज़ कवर करूंगा, एलिजिबिलिटी कवर करूंगा, डेट्स कवर करूंगा, एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में सभी कवर करूंगा। सो सारे पहलू जो भी एडमिशन से रिलेटेड होंगे सभी मैं कवर करूंगा, ताकि आपको सारा क्लियर हो एंड आप एडमिशन लेना चाहते हो तो किसी प्रकार का आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है, नंबर 3rd पे है एंड इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना कंपलसरी है। एंड इसका एंट्रेंस टेस्ट जो होता है पिछले सालों में ऑफलाइन होता था, लेकिन इस साल में जब से लॉकडाउन लगा है ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है। आपको दोनों तरह से एग्जाम पॉसिबल है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अगर आप BHU में पढ़ना चाहते हो तो कौन से क्लास से लेकर कौन से क्लास तक आप पढ़ सकते हो, तो आप क्लास 6 से लेकर PhD तक आप इस यूनिवर्सिटी में आराम से पढ़ सकते हो। एंड एडमिशंस का बात कर लूं, एडमिशन प्रोसेस तो आपका एंट्रेंस बेस एग्जाम होता है। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हो तो BHU UET एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ेगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको BHU PET आपको क्रैक करना होगा। अगर आप ग्रेजुएशन से पहले 11, 12 या लोअर क्लासेस में लेना चाहते हो तो उसमें भी आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा, तभी आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर आप UG में अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको 10+2 और एनी इक्विवेलेंट एग्जाम जो कि आपका किसी भी बोर्ड से हो जाए, मान्य बोर्ड से 10+2 होना चाहिए एंड मिनिमम मार्क्स आपका 50% होना चाहिए। आपको पता ही होगा कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी अच्छे स्कोर करना पड़ेगा आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए। अगर आपका इतना फुलफिल्ड है तो आप लोग इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। तो मैं बता दूं, BA BSc BCOM एनी अदर कोर्सेज के लिए सभी का एलिजिबिलिटी में थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस है, लेकिन सभी का बेसिक मैं बता रहा हूं, आपका 50% मार्क्स कंपलसरी है 12th बोर्ड में। एंड अगर आप PG में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सबसे पहले UG में अंडर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें होना जरूरी है। एंड BHU एप्लीकेशन प्रोसेस का बात कर लूँ तो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जाएगा, उसका डेट अभी नहीं आया है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म का डेट खत्म हो जाता है, 1 महीना आपको टाइम मिलता है इस प्रोसेस को करने के लिए। एंड उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हो तो एडमिट कार्ड का डेट निकलेगा। उसके बाद BHU एडमिट कार्ड में आपको एग्जाम डेट भी दिया हुआ रहेगा, सो आप लोग एग्जाम डेट का भी पता चल जाएगा आप लोगों के पास। उसके बाद आप अगर एग्जाम दे देते हो तो आपको BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पे आंसर की भी आपको अपलोड मिलेगा, आप लोग वहाँ से जाके अपना आंसर चेक कर सकते हो। एंड उसके बाद आपका काउंसलिंग वगैरह होगा, अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा। सो आप लोगों को यही पूरा प्रोसेस है एडमिशन प्रोसेस। तो सबसे पहले अगर आपको चेक करना हो BHU का एप्लीकेशन फॉर्म आया है कि नहीं, उसके लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट जो है BHU का, आपको वहां पर जाना होगा एंड वहां पर रजिस्टर ऑनलाइन का आपको सिंबल दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना होगा। वहां पर अगर आपका एप्लीकेशन आ गया होगा तो वहां पर द फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना होगा। वहां पर आपको अपना इमेज अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जैसा भी वहां पर बताया जाएगा इतना KB में आपको रिसाइज करके सारा अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू करके देख लेना है फॉर्म में किसी तरह का गलत है या नहीं। उसके बाद आप वहाँ से आप लोग एडिट भी कर सकते हो, अगर कुछ गलत आपने टाइप कर दिया हो, भर दिया हो फॉर्म को, तो आप वहाँ से आप लोग एडिट करके चेंज भी कर सकते हो। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, आपको पेमेंट करना जरूरी है, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुल्ली आपका सबमिट हो जाएगा BHU में एंड आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका एडमिट कार्ड वगैरह प्रोसेस में जाएगा। प्रोसेस का फीस स्ट्रक्चर का बात कर लूँ तो जैसे BA BPAD BCOM BFA BA म्यूजिक
जो है आपका 3420 रुपया लगेगा आपको। अगर बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो बीएचयू से तो आपको 4400 रुपया अप्रॉक्स लगेगा। एंड अगर आप बीएड करना चाहते हो बीएचयू से तो आपको 5700 रुपया लगेगा। अगर आप एमए एमएफए एमकॉम करना चाहते हो तो 4620 रुपया अप्रॉक्स में लगेगा। एंड अगर आप इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एलएलबी एलएलएम करना चाहते हो तो एलएलबी के लिए आपको 3850 रुपया लगेंगे। एंड एलएलएम करना चाहते हो तो आपको 4870 रुपया लगेगा। तो ये कुछ बेसिक कोर्सेज हैं एंड उसका फीस स्ट्रक्चर है। एंड कुछ और बातें कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो प्लेसमेंट का बात किया जाए, वन ऑफ द रेप्यूटेड वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो प्लेसमेंट ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा होगा इस यूनिवर्सिटी का। तो प्लेसमेंट को आपको कोई चिंता नहीं लेना है। अगर आपका एकेडमिक सेशन बहुत अच्छा जाता है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो एंड आपका यूजी में अच्छा स्कोर होता है, तो आपको प्लेसमेंट आपके अच्छे अच्छे कंपनीज में इंटरव्यू देकर आप लोग जा सकते हो। तो प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है इस यूनिवर्सिटी का। और इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किया जाए तो आप लोगों को पता होगा बनारस अपने आप में बहुत ही सुंदर शहर है। एंड आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एंड फैकल्टी एंड कोर्स करिकुलम का बात करूँ ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो आप लोग समझ सकते हो इसका सारा चीज़ बेस्ट है, कोई कंप्लेन आप लोग यहाँ से नहीं कर सकते हो। आपके सारे फैकल्टीज़ टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं एंड बहुत अच्छे से कोर्स करवाते हैं। टाइम टू टाइम आपका कोर्स हो जाता है एंड आप यहाँ से पढ़ के निकलोगे तो आप समझो अपने आप में एक ज्ञान का भंडार हो, आपको बहुत कुछ सीख के निकलोगे आप बीएचयू से। एंड क्राउड एंड कैंपस लाइफ का बात किया जाए तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, बहुत दूर दूर से भी आते हैं, आपके बहुत सारे स्टेट इंडिया में वहाँ से भी आते हैं और बाहर से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। एंड लास्ट में वैल्यू फॉर मनी है क्या? सो मैंने इतना सारा बताया प्लेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टी कोर्स करिकुलम क्राउड एंड कैंपस लाइफ। सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, काफ़ी अच्छा है, आप लोग यहाँ से एडमिशन ले सकते हो बिना किसी डाउट के। काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है, अगर आप इसमें एडमिशन ले लेते हो तो आपका समझो एक तरह से जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अनदर यूनिवर्सिटीज से कंपेयर किया जाए तो। एंड आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है, अगर आप अच्छे स्कोर करते हो एंट्रेंस एग्जाम में तो आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो मैं इसमें एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा स्कॉलरशिप के बारे में, बीएचयू स्कॉलरशिप के बारे में। इसमें बनाऊंगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा एंड बहुत ही बोरिंग हो जाएगा, तो अभी मैं इसको रहने देता हूँ, अगली वीडियो में मैं इसको जरूर कवर करूंगा। कितना परसेंट मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए? कम आपको 60-75% मार्क्स लाना है, कम से कम, मिनिमम मैं बता रहा हूँ 60-75% मिनिमम है। ज़्यादा लाओगे तो आपको स्कॉलरशिप डेफिनेटली मिलेगा, 90% ले आते हो तो 90-95% तो स्कॉलरशिप भी जरूर मिलेगा। इसका प्रिपरेशन करना कोई हार्ड बात नहीं है, अगर आप बीएचयू का एग्जाम के लिए डेडिकेटेड बुक्स आते हैं मार्केट में आप उसको भी पढ़ लेते हो एंड आपने 11th 12th में अच्छे से पढ़ाई करा है तो आप लोग इस एग्ज़ाम को इजिली पास कर पाओगे। आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लो, कोशिश करना अच्छे से पढ़ाई करना, ऊपर से आप लोग अच्छा मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करना। सो आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा वीडियो में। सो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए यूनिवर्सिटी अपडेट के साथ। बीच चुके स्टूडेंट हुआ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए।